सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पेंट का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। तो दोस्तों, हमें कौन कौन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है ये आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई मीन्स लेंथ का मेजरमेंट लेंगे, इसके बाद वेस्ट, कमर, फिर थाई, जांग, देन हिप, फिर नी, एंड लास्ट में हम बॉटम मीन्स मोड़ी का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं यह आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकोन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लंबाई का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं यह समझने वाले हैं। तो यह पेंट है और पेंट की लंबाई का मेजरमेंट लेने के लिए हम टेप को बेल्ट के किनारे से लेकर मोरी के किनारे तक मीन्स पेंट की फुल लेंथ को हम मेज़र कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर पेंट की लंबाई का मेज़रमेंट आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उसको किस तरह से मेज़र करते हैं समझ लेते हैं। आपको टेप को इस तरह से रखना है और नीचे मीन्स नीचे मोरी तक आपको इसको मेज़र कर लेना है। तो मेज़र करने के बाद हम देख लेते हैं कितना आया हमारा लंबाई का मेज़रमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 43.5 इंच आया, मीन्स 43.5 इंच आया। एक बार हम फिर से आपको मेज़र करके बता देते हैं। ये देखिए, टेप को आपको बिल्कुल सीधी रखना है और नीचे फुल लंबाई को आप मेज़र कर ले तो आपका आएगा 43.5 इंच। तो यही हमारा लंबाई का मेज़रमेंट होगा। तो दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने देखा यहाँ पर लंबाई का मेज़रमेंट हमारा 43.5 इंच आया है। इसके बाद हम यहाँ पर कमर का मेज़रमेंट किस तरह से लेते हैं चलिए दोस्तों यह भी समझ लेते हैं। कमर का मेज़रमेंट लेने के लिए दोस्तों हमें बेल्ट को मेज़र करना होता है। तो बेल्ट को मेज़र किस तरह से करते हैं चलिए समझ लेते हैं। आप इस तरह से यहाँ पर बेल्ट को रखिए और दोस्तों, जो फ्लाई का किनारा दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर आप टेप को इस तरह से रखिए। आपको टेप को इस तरह से रखना है और यह बेल्ट जहाँ तक गया है मीन्स यहाँ तक आपको मेज़र करना है। तो चलिए मेज़र करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 17.5 इंच, मीन्स 17.5 इंच आ रहा है। 17.5 इंच का आपको डबल करना होगा। तो अगर आपको डबल करते नहीं आता तो आप इस तरह से भी डबल कर सकते हैं। 17.5 इंच का डबल होगा 35 इंच, मीन्स 35 इंच। तो यही हमारा कमर का मेज़रमेंट होगा। दोस्तों, अगर आप फुल बेल्ट को मेज़र करना चाहते हैं तो आप फुल बेल्ट को भी कहाँ तक मेज़र करना है यह हम आपको समझा देते हैं। तो आप इस तरह से मेज़र करिए फुल बेल्ट को, और जो आपका लास्ट हुक दिख रहा है आप वहाँ तक मेज़र कर ले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कमर का मेज़रमेंट आएगा वो 35 इंच ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे भी मेज़र कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आपको कमर मेज़र करने के लिए दो तरीके बताए। आप या तो हाफ़ बेल्टों को मेज़र करके उसको डबल कर सकते हैं या फिर फुल बेल्ट को भी मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कमर का मेज़रमेंट 35 इंच आ गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हम जांग का मेज़रमेंट मीन्स थाई का मेज़रमेंट किस तरह से लेते हैं यह समझ लेते हैं। तो थाई का मेज़रमेंट लेने के लिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस तरह से पेंट को रखिए जिस तरह से हम रख रहे हैं। और दोस्तों, ध्यान रहे कि आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए, नीचे से कहीं से वला हुआ नहीं होना चाहिए, मीन्स फोल्ड नहीं हुआ होना चाहिए। तो आप इस तरह से मेज़र कर ले तो आ रहा है आपका 13.5 इंच, मीन्स 13.5 इंच आ रहा है। तो दोस्तों, आपको थाई का मेज़रमेंट निकालने के लिए इसे भी डबल करना होगा क्योंकि इतना ही कपड़ा हमारा नीचे भी है। तो इस तरह से जो हमारा थाई का मेज़रमेंट आ जाएगा वो 13.5 इंच का डबल होता है 27 इंच। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा 27 इंच जांग का मेज़रमेंट भी आ गया है। तो इसी तरीके से आप जांग मेज़र कर निकाल सकते हैं। दोस्तों, सभी पेंट में आपको इसी तरीके से मेज़र करना है जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको उस तरह से मेज़र करते नहीं आ रहा तो आप पेंट को इस तरह से रखिए जिस तरह से हम यहाँ पर प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से मेज़र कर ले कि कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा करने पर भी हमारा 13.5 इंच ही आ रहा है। तो इस तरह से हमने जांग का मेज़रमेंट निकालना भी सीखा है। चलिए दोस्तों, इसे भी हम नोट कर लेते हैं। तो जांग का मेज़रमेंट आ गया है आपका 27 इंच। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम लगे हाथ बॉटम के मेज़रमेंट ले लेते हैं क्योंकि पेंट हमारी बहुत अच्छी तरह जमी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर आप बॉटम को भी मेज़र कर सकते हैं। तो बॉटम मेज़र करने के लिए आप यहाँ पर पेंट के
मोरी के दोनों सिरों को मेज़र कर ले। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से मेज़र करना है, टेप को आप इस तरह से रखिए और इसे एंड तक मेज़र कर ले। तो आप देख सकते हैं मेज़र करने पे आ रहा है हमारा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच का आप डबल कर ले तो हो जाएगा आपका बॉटम का मेज़रमेंट 14.5 इंच। तो इस तरह से हमने देखा है कि बॉटम का मेज़रमेंट भी लेना बहुत आसान है। तो 14.5 इंच यहाँ पर हमने बॉटम का मेज़रमेंट ले लिया है। तो चलिए दोस्तों आगे मेज़रमेंट हिप और घुटने का किस तरह से लेते हैं यह हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि घुटने का मेज़रमेंट हमें किस तरह से लेना है। तो घुटने का मेज़रमेंट लेने के लिए आप यहाँ से मीन्स थाई से लेकर नीचे फुल लेंथ को मेज़र कर ले। दोस्तों अगर आपने हमारा कटिंग का वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम घुटने की मार्किंग किस तरह से करते हैं, इसी तरीके से हम घुटने का मेज़रमेंट भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेज़र करने पर आया है 33.5 इंच। दोस्तों 33.5 इंच का आपको हाफ़ करना है तो आ जाएगा 17.25 इंच। ठीक है दोस्तों, हाफ़ करने के बाद आप कटिंग मार्किंग करते वक्त हम 5 इंच माइनस करते हैं घुटने की मार्किंग करते वक्त, तो आप यहाँ पर भी 5 इंच माइनस कर दे तो हो जाएगा आपका 12.5 इंच। तो यहीं से आपको मेज़र कर लेना है घुटने की लंबाई। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर घुटने की कितनी आई है, 9.5 इंच। तो आप इसको डबल कर ले तो हो जाएगा आपका 19 इंच मीन्स 19 इंच। तो यही आपके घुटने का मेज़रमेंट होगा। घुटने का मेज़रमेंट आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 9.5 इंच का डबल कर ले हो जाएगा आपका 19 इंच। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि हिप का मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेज़रमेंट कहाँ से किस तरह से लेते हैं यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा एक बार कटिंग का वीडियो ज़रूर देखें, हम किस तरह से कटिंग करते हैं सेम इसी तरीके से हम आपको यहाँ पर मेज़रमेंट लेना भी बता रहे हैं। तो हिप का मेज़रमेंट लेने के लिए आप यहाँ पर बैक को लीजिए और आप बैक का मेज़रमेंट पॉकेट के करीब 1 इंच नीचे से करिए तो आपका हिप का जो मेज़रमेंट है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो आप यहाँ से इस तरह से बैक को मेज़र कर ले कितना आ रहा है सिलाई से सिलाई तक। ये देखिए हमने सिलाई के पास से टेप रखा है और यहाँ पर मेज़र करा है हमारा आ रहा है 10.5 इंच मीन 10.5 इंच आ रहा है दोस्तों, और 1/2 इंच हमारा सिलाई में गया है पॉकेट के पास से, हम आपको वो भी दिखाएंगे किस तरह से हमारा 1/2 इंच गया है। तो टोटल हो जाएगा हमारा 11 इंच। ये देखिए दोस्तों सिलाई करते वक्त हमारा 1/2 इंच मार्जिन में चले जाता है। तो इस तरह से जो आप हमने बैक मेज़र करी है वो 10.5 इंच आई है और 1/2 इंच सिलाई के लिए मीन्स टोटल हो गया 11 इंच। और दोस्तों बैक का मेज़रमेंट निकालने के लिए आप 1 इंच कम कर दे क्योंकि हम कटिंग करते वक्त 1 इंच बढ़ा देते हैं, तो आप यहाँ पर 1 इंच कम कर दे तो हो जाएगा आपका 10 इंच। और हम 4 का डिवाइड करते हैं कटिंग करते वक्त तो हमें यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, सेम रिवर्स प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करके 40 इंच यहाँ पर हिप का मेज़रमेंट नोट कर ले। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने पेंट कटिंग करने के लिए जिन जिन मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती है सभी को आज की वीडियो में हमने निकालना बताया है और बहुत आसान तरीके से बताया है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।